कपास का इतिहास हमारे प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ है। देश में सफेद सोने के नाम से विख्यात कपास वैश्विक महत्व की प्रमुख रेशे वाली फसल है। भारत में कपास की चार प्रजातियों के साथ साथ विभिन्न संयोजनों के संकर की व्यापक रूप से खेती की जाती है। 2022-23 में भारत में कपास की खेती का क्षेत्र 130 लाख हेक्टेयर था। भारत की प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा शामिल है। देश में कपास अनुसंधान को आधारभूत सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना अप्रैल 1976 में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर शहर में हुई। संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कोइंबटूर, दक्षिणी क्षेत्र को सिंचित व बारानी परिस्थितियों तथा क्षेत्रीय केंद्र सिरसा देश के पूर्णतः सिंचित उत्तरी कपास क्षेत्र के लिए कपास अनुसंधान में कार्यरत है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CICR का मुख्य उद्देश्य कपास उत्पादन क्षेत्रों में किस्मों के विकास, कपास की खेती के उत्पादन उत्पादकता तथा लाभप्रदता को बढ़ाना है। हमारे यहाँ BT के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की सभी किस्में हैं, जिसमें 10 गुना अधिक क्षमता है और उपज भी बहुत शानदार है। जैविक और शून्य बजट खेती की तरह रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ने के लिए ये देसी किस्में देश के लिए सही जवाब प्रदान करेगी। संस्थान विभिन्न सस्य जलवायु के अनुकूल उच्च उपज क्षमता वाली कपास की किस्मों और संकर को देश के विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती के लिए विमोचित किया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देसी कपास की स्थल उपजातियों और बहुवर्षीय कपास का संग्रह और संरक्षण किया जाता है, ताकि भावी प्रजनन कार्यक्रमों में दाता पैतृकों के रूप में बेहतर जीन प्रारूपों की पहचान की जा सके। जीन बैंक में भारत की चार घोषित जातियों की 12,335 जनन द्रव्य वंशावलियों के संग्रह का संरक्षण किया जा रहा है। संस्थान ने अपने जंगली प्रजातियों के बगीचे में कपास की 26 जातियों को स्थापित किया है। फसल सुधार विभाग किस्मों के सुधार के लिए लगा हुआ है। संस्थान में हमने सबसे बड़े जर्म प्लाज्म बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम विशिष्ट गुणों के सुधार के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे गुण हम एक ही किस्म में डालने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बारानी क्षेत्र की उतली मृदाओं में कपास की अधिक पैदावार लेने के लिए सघन रोपण तकनीक कई राज्यों में कपास उत्पादन में क्रांति ला रही है। इस तकनीक में BT संकर को 90 से 15 सेंटीमीटर एवं देसी किस्मों को 60 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस प्रणाली से उत्पादकता का स्तर काफी बढ़ गया है और किसानों की प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत में कमी आई है। मृदा में नमी के ह्रास को रोकने के लिए दलहनीय फसलों को अंतः फसल के रूप में लगाने से मृदा की उर्वरता में सुधार, कार्बनिक पलवार में नमी संरक्षण और खरपतवार का नियंत्रण प्रभावी ढंग से होता है। संस्थान ने कई परजीवी इवेंट का विकास किया है, जिसमें देसी BT कपास भी शामिल है। उत्तक संवर्धन और उन्नत आण्विक तकनीकों के माध्यम से प्रयोगशाला में कपास की उन्नत पौध तैयार की है। पारंपरिक पौध प्रजनन प्रक्रिया द्वारा कपास की एक किस्म विकसित करने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं तथा एक वर्ष में दो फसलें लेना भी संभव नहीं होता। इस समस्या का समाधान करने हेतु कपास में स्पीड ब्रीडिंग का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत 40 दिन के ऊपर के बोन से भ्रूण को रेस्क्यू करते हुए उसको पौध उत्तक संवर्धन किया जाता है, जिससे 20 से 25 दिनों में पौधा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। कपास की फसल अंकुरण से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अनेक प्रकार के कीड़े का प्रकोप होता है, इसीलिए संस्थान ने कारगर कीट प्रबंधन के लिए कीटनाशक प्रतिरोधकता प्रबंधन रणनीति का विकास किया गया है। हमने 4 कीट विकसित कर उसका व्यावसायिकीकरण किया है तथा 5 देशों में इसे पेटेंट भी किया है, जो संस्थान के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित करता है। संस्थान ने कई उपकरण विकसित किए हैं। बारानी क्षेत्र की काली मृदा में कपास की बुआई के लिए बैल चलित वर्टिकल रोटर मशीन, सौर ऊर्जा प्रचलित नैपसैक छिड़काव यंत्र विकसित किया गया है। संस्थान कपास की उत्पादन में संपूर्ण यांत्रिकीकरण के प्रयोग में कार्यरत है। इस संस्थान को विभिन्न पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है।
इसके अलावा संस्था में समय समय पर किसानों को CICR द्वारा विकसित कपास उत्पादकता बढ़ाने के तकनीकों के बारे में अवगत कराने हेतु कपास मेला, किसान मेला और अन्य कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। इसी श्रृंखला में भारत का सबसे बड़ा किसान सम्मेलन कृषि वसंत का आयोजन भारत सरकार द्वारा इसी संस्थान में किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एक अग्रणीय संस्था के रूप में उभरी हुई है।